उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र का पांचवा दिन खासा गहमा गहमी वाला रहा। नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने पहले सरकार को जमकर घेरा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विपक्ष पर जोरदार तरीके से हमला बोला। मुख्यमंत्री ने इशारों में कहा कि चांदी की चम्मच में खाने वाले हकीकत की जानकारी नहीं रखते। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अगर चौधरी चरण सिंह की बातों का थोड़ा भी ध्यान रखा होता तो उनके समय में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या नहीं करते। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि पिछले दिनों चक्रवात के कारण हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा में कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे और फसलों को नुकसान पहुंचा था। उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। उत्तर प्रदेश देश और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां पर 86 से 90% भूभाग पर कृषि योग्य भूमि सिंचित है। इस दौरान उन्होंने फसलों से संबंधित डाटा भी सदन में पेश किया। सावन के सोमवार को देखते हुए बरेली शहर में आज रात से ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। शुक्रवार रात से सोमवार रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। ट्रैफिक इंतजाम दुरुस्त रखने को यातायात पुलिस के साथ कई थानों की पुलिस को ड्यूटी पर मुस्तैद किया गया है। सैटेलाइट चौराहा, बीसलपुर चौराहा, चौकी चौराहा, चोपला ब्रिज, मिनी बाईपास, झुमका तिराहा और बिलयधाम के अलावा इन्वर्टिस तिराहा 0.8 जगहों से वाहनों को दूसरे रूटों पर डायवर्ट किया जा रहा है। सोमवार को बरेली में लाखों कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भेजे गए एक पत्र ने बरेली पुलिस में हड़कंप मचा दिया है। पत्र में बरेली के अंदर तैनात एक थाना प्रभारी पर बहुत ही घिनौने आरोप लगाए गए हैं। भेजने वाले की जगह पत्र में थाने के समस्त कर्मचारी लिखा है और लेटर भेजने की तारीख 26 जुलाई 2023 अंकित है। हालांकि शिकायतकर्ता का नाम, पता और मोबाइल नंबर पत्र पर दर्ज न होने से इसे भेजने के पीछे किसी की खुराफा ज्यादा नजर आ रही है, मगर इससे विभाग में खलबली जरूर मची है। एसपी क्राइम मुकेश कुमार ने पत्र को लेकर कहा कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे पर शिकायतकर्ता का नाम नहीं है। ऐसा ही एक पत्र एक अनूप सिंह के नाम से महकमे को भेजा गया था। जांच में पत्र भेजने वाला ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। लगता है कि छदम नाम से कोई थाना प्रभारी की छवि धूमिल करने को ऐसा कर रहा है। इस मामले में पड़ताल कराकर कार्रवाई की जाएगी। 15 अगस्त के बाद नगर निगम और नगर पालिकाओं में हाउस टैक्स जमा करने की ऑफलाइन व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। इसके बाद हाउस टैक्स सिर्फ ऑनलाइन ही जमा किया जा सकेगा। शासन ने नगर आयुक्त और नगर पालिका अफसरों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2023 के तहत समस्त करों की वसूली की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है। इसमें हाउस टैक्स भी शामिल है। बरेली नगर निगम में 1,45,000 करदाता है। अभी तक सिर्फ 15% करदाता ही ऑनलाइन टैक्स जमा करते थे। टैक्स मामलों में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए निकायों में 15 अगस्त से ऑनलाइन टैक्स अदायगी की व्यवस्था लागू की जा रही है। बरेली से गायब चल रही युवती को पुलिस ने राजस्थान के झज्जर जिले से बरामद करने में सफलता हासिल की है। युवती के परिवार वालों ने अजीम और उसके घर वालों के खिलाफ शादीशुदा बेटी के अपहरण की रिपोर्ट लगाई थी। लवजियात का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन मामले में कार्रवाई की मांग उठा रहे थे। पुलिस की छानबीन में पता लगा है कि युवती पहले भी गायब हो चुकी है। पुलिस ने युवती का मेडिकल चेकअप कराया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। बरेली में समाजवादी पार्टी नेताओं पर घायलों के मुफ्त इलाज का वादा कर मदद से हाथ खींच लेने का आरोप लगा है। पिछले दिनों मुहर्रम के जुलूस में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हरू नगला के रहने वाले कई लोग झुलस गए थे। हादसे के बाद सपा के कई नेता घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे थे और मुफ्त इलाज कराने का भरोसा देकर आए थे। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती घायल साहिल के भाई ने कहा कि हादसे के बाद सपा विधायक के साथ कई नेता आए और इलाज में मदद का वादा किया, मगर उसके बाद किसी ने भाई की ओर पलटकर नहीं देखा। मजदूरी कर भाई का इलाज कराने में असमर्थ है। इस मामले में सपा जिलाध्यक्ष शिवशरण कश्यप का कहना है कि मामला अभी तक उनकी जानकारी में नहीं था, अब वो अस्पताल जाकर परिवार की मदद करेंगे। बरेली में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहर से देहात तक तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। नगर निगम ने बरेली शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट, सफाई कर्मचारियों के साथ अफसर जुटे। इस दौरान हर ओर देशभक्ति के तराने गूंजे तो माहौल में देशभक्ति के रंग घुल गए। 15 अगस्त को बरेली में जगह जगह देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए विभिन्न संगठन और संस्थाएं तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने 15 अगस्त के मौके पर सभी मदरसे, दुकानों व घरों पर तिरंगा फहराने की अपील लोगों से की है। इसी सिलसिले में दरगाह आला हजरत स्थित मुफ्ती हाउस में मुस्लिम जमात की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि सभी व्यक्ति 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अपनी दुकानों और मकानों पर तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। मदरसे, स्कूल, कॉलेजों के जिम्मेदारान भी जश्न आजादी को धूमधाम से मनाएं। बरेली में बड़ा बाईपास पर लगातार हो रहे हादसों की वजह से घोषित ब्लैक स्पॉट पर फिर अनहोनी हो गई। अब की बार बेकाबू ट्रक ने कार और बाइक को रौंद दिया। हादसे में कार और बाइक सवार सहित कई लोग घायल हो गए। कार की रफ्तार कम होने की वजह से बड़ी अनहोनी किसी तरह बच गई। चश्मदीदों ने बताया कि भितरी क्षेत्र में नवदिया जादा के पास बेकाबू ट्रक अचानक कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए डिवाइडर पर चढ़ गया। आसपास खड़े कई लोगों ने भागकर जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। बरेली के थाना बहेड़ी इलाके में उत्तराखंड से लौट रहे युवक पर बाइक सवार हमलावरों ने तेजाब उड़ेल दिया। तेजाब के हमले में गंभीर रूप से झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहेड़ी के मोहल्ला लोदीपुर का रहने वाला मोहम्मद नाजिम उत्तराखंड के किच्छा कस्बे में लोहे के उपकरण बनाता है। गुरुवार को नाजिम किच्छा से ई रिक्शा में बैठकर बहेड़ी अपने घर आ रहा था। नैनीताल हाईवे पर मंडनपुर गाँव के पास पीछे से बाइक पर आए दो हमलावरों ने उस पर तेजाब डाल दिया और फरार हो गए। तेजाब से झुलसे नाजिम की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।